एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राधिका ब्लॉग्स 42 पर। सो गाइस, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी, भोले शंकर, माँ पार्वती हम सबके स्वास्थ्य की रक्षा करें हमेशा। और सो गाइस, अभी मैं जस्ट नहावा कर आई हूँ। अभी तो मैंने सूट ही डाल लिया है और बस थोड़ा सा मेकअप किया। अभी इयररिंग वगैरह पहनूंगी और चूड़ी वूड़ी कुछ भी नहीं पहनी, अभी पहनूंगी, पहनने ही जा रही थी। सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ उससे पहले। तो चलिए गाइस, रेडी होते हैं। और अभी तो मैं मतलब सूट ही डाला है, फिर उसके बाद जब हम लोग पूजा करेंगे ना, थोड़ा पूजा हम लोग शाम के टाइम करते हैं, उस टाइम पे रेडी होंगी अच्छे से। तो अभी पहले नेल पेंट वगैरह लगा देते हैं, मम्मी को भी लगा देती हूँ, अपने आप भी लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं किया। और देखिए मेरी मेहंदी का रंग कुछ ऐसा आया है, ये देखिए। और गाइस, जो मैंने सूट डाला है ना, बहुत ही प्यारा सूट है ये, बहुत ही प्यारा। एक मिनट में पूरा दिखाती हूँ आपको। और मेरे पैरों की मेहंदी, इसका दुपट्टा जॉर्जेट में, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है इसका। सूट मम्मी को भी बहुत पसंद आया। तो चलिए पहले चूड़ी उड़ी पहन लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चलिए गाइस, हो जाते हैं रेडी। और आज थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी। एक्चुअली हुआ ऐसा कि रात में ना वीडियो एडिटिंग कर रही थी, तो मतलब लेट हो गया था काफ़ी ना, 12:30 बज गए थे इस चक्कर में। तो सुबह मॉर्निंग में जब उठी ना, तो सर में इतना तेज़ दर्द था, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो बच्चों को फिर भी रेडी करके स्कूल भेजा, मतलब कृष्णा गए थे, श्यामा तो नहीं गए थे, श्यामा की छुट्टियाँ थी। और ये चूड़ा था मैंने जो ऑनलाइन मंगाए थे, मतलब दो मंगाए थे मैंने, तो वही चॉइस कर रही थी कौन सा पहनूँ, बट साइज़ आने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। हुआ ऐसा कि जब भी मेरे सर में दर्द होता है ना, तो मतलब बॉडी में स्वेलिंग जैसा हो जाता है, फेस पे भी, हाथों पे भी। तो थोड़ा साइज़ तो मेरा ही था। तो चलिए, यहाँ पे चूड़ा वगैरह पहनने के बाद बस अब नेल पेंट वगैरह लगाएंगे, फिर मैं मम्मी को नेल पेंट वगैरह लगाऊंगी। आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। गाइस, अभी कुछ चीज वगैरह पहन लेती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ ज्वेलरी पहनी। और ज्वेलरी पहनने के बाद, मतलब ये ज्वेलरी तो मेरे को निकालनी है अभी, क्योंकि मेरे को फिर पूजा के लिए रेडी होना है। तो जो मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी मंगाई है वही पहनूंगी पूजा के टाइम पर। तो अभी तो बस मैं ये थोड़ा बहुत रेडी होकर मम्मी को जाऊंगी मेहंदी मतलब तैयार करने के लिए। और मैं मम्मी से मिलकर आ गई थी अभी तो। और गाइस ना, आज के दिन मतलब सभी लेडीज़ कितनी सुंदर सुंदर, कितनी प्यारी प्यारी लगती है ना, मतलब क्रेज़ रहता है सभी को कि हम बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हों। और यहाँ पे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, अच्छे से सज संवर के रहना बिल्कुल। लेकिन अभी थोड़ा बिजी भी रहते हैं वीडियोज़ वगैरह में, बच्चों में तो इतना नहीं हो पाता, बट आज तो बनता है ना, आज तो हम लोगों का फेस्टिवल है, तो आज तो बनता है इतना। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब इस बार ना मैं जो चुकटियाँ होती हैं ना, वो तीन तीन लेकर आई हूँ, मतलब जो अंगूठा होता है उसकी भी लेकर आई हूँ। मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये, लेकिन मतलब मेरी जो मम्मी है, मतलब मेरी मदर लो, उनको थोड़ा कम पसंद है ऐसा। पहनती तो मैं भी हमेशा सिंपल ही हूँ, और लेकिन ना फेस्टिवल पे ये लग होता है ना कि मतलब अलग से, बिल्कुल अलग से ही लगना चाहिए। तो इसलिए मैं ना इस बार तीन तीन लेकर आई हुई चुकटियाँ। और चलिए गाइस, देखिए मेरे बिछुए कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसे लग रहे हैं। और अब नेल पेंट लगाते हैं। ये फेस्टिवल इतना प्यारा है ना गाइस, मतलब चेहरे पर अलग ही एक नूर रहता है, इतनी चमक रहती है चेहरे पर। बस माता रानी से इतनी ही दुआ करते हैं कि माता रानी हमारे स्वागत की हमेशा रक्षा करना, उनको हमेशा
उनको हमेशा खुश रखना, वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं, उन्हीं से ये फेस्टिवल भी है, तभी हम लोग इतनी तैयारी करते हैं, इतना सज संवरते हैं, उन्हीं से तो है। सो गाइज, मैं हो चुकी थी रेडी और अब मैं आई हूँ मम्मी को रेडी करने के लिए। एक्चुअली मेरी जो मम्मी है ना, मेरी मदर इन लॉ, उनको बिल्कुल भी शौक नहीं है, मतलब अब नहीं है, पहले तो बहुत था, बट एक तो एज हो चुकी है और दूसरा इनकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब रहती है ना, तो इसलिए कुछ मतलब मम्मी का करने का मन नहीं करता, तो मम्मी को सब कुछ ना ज़बरदस्ती कराना पड़ता है। फिर भी मतलब मैं पायल वगैरह पहना रही हूँ मम्मी को, चुटकी भी पहनाऊँगी, नेल पेंट भी लगाऊँगी और चूड़ियाँ भी पहनाऊँगी। मतलब चूड़ी भी मना ही कर रही थी कि नहीं, ये ठीक तो है जो पहनी हुई है, मतलब यहाँ तक कि कपड़े वगैरह भी सूट ही डाल लेती हैं, साड़ी वगैरह नहीं पहनती। और जो मेरे फादर इन लॉ, उनको इतना ज़्यादा क्रेज है कि हाँ मतलब सब सब सज मतलब मेरी बहुएँ सभी लोग ना बिल्कुल अच्छे से सज संवर के अच्छे से रहे, लेकिन ना मम्मी को थोड़ी तबीयत की वजह से ना बस ऐसी रहती हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सभी लोग मतलब अच्छे से रहें, सज संवर के रहें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। और ये त्यौहार तो स्पेशली होता ही सासू माँ और पतिदेव के लिए, अगर वो खुश है तो हम लोगों का त्यौहार भी अच्छा है। फाइनली तैयार वगैरह हो गई, मतलब नहाने के बाद, अभी तो सूट ही डाला है, अभी रेडी होना है और पूजा के लिए रेडी होना है। मम्मी को पायल चुटकी वगैरह सब पहना दी, नेल पेंट लगा दिया मम्मी को, और अभी बस मैं रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, फिर पूजा करेंगे। चाय की इतनी हिड़क आ रही है ना सुबह से ही, सर में भी दर्द था आज मेरे सुबह मॉर्निंग में ना। सो गाइस, आपको पता है सामान अभी बाहर रखा है, अब ये पता नहीं किसके लिए रखा है। आपने फर्श रखा है गाइस, कहीं जाने की तैयारी कर रहा है ये। कुछ भी, मैंने इससे बोला कि श्यामा मेरा एक दो फोटो क्लिक कर दो, कर मम्मी जल्दी करो, मेरे को थोड़ा मैं लेट हो रहा हूँ, तो जाना कहाँ है। किसान पे बोला था ना इसने, अच्छा वो खा रहे हैं अभी कुछ। सो चलिए गाइस, आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और बहुत अच्छा लग रहा है आज ना। मुझे करवा चौथ पे महंगे तोहफे नहीं, आप और आपकी लंबी उम्र चाहिए। करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ूं, हाथों में मेहंदी हो, मांग मेरी सिंदूरी हो, तेरे नाम का किया सिंगार। So guys, next